हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल एप्टीट्यूड क्रिएशंस में। आज हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, मतलब तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी के पार्ट वन में सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट की प्रवृत्ति क्या होती है, लाइट की प्रकृति क्या होती है, लाइट क्या क्या प्रॉपर्टीज या गुणधर्म शो करता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप पूरी वीडियो को, पूरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने, देखें और समझें। ओके, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट क्या होती है। लाइट और विजिबल लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि गामा रेज से शुरू होकर वो लॉन्ग हर्ट्ज रेडियो वेव तक जाता है, उसी के बीच में 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के बीच में जो वेव आती है वही दृश्य प्रकाश होता है, वही विजिबल लाइट होता है, उसी को हमारी आंख या ह्यूमन आई जो है वो देख सकती है। अब 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे तरंग दैर्ध्य की जो किरणें हैं वो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें होती हैं। दीज वेव्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन। ओके, एंड 7000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर तरंग दैर्ध्य की जो किरणें होती हैं वो इंफ्राडेड या अवरक्त किरणें होती हैं। इनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये अगर डायरेक्ट हमारी आँख पर पड़ेंगी तो हमारी आँख को डैमेज कर सकती है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल वेवलेंथ है, जिसको हमारी आई इजिली देख सकती है और सभी तरह के कलर में विभेद कर सकती है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है या 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी 432 750 टेट्राहर्ट्ज के रेंज में होती है। अब लाइट वेव्स जो है, लाइट प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो कि हमें सूरज के द्वारा नेचुरली प्राप्त होती है। सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, और लाइट एक ऐसा माध्यम है, लाइट एक ऐसा ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जिस जो कि खुद तो नहीं दिखाई देती है, ये स्वयं नहीं दिखाई देती, परंतु ये ह्यूमन को, ह्यूमन आई को किसी अन्य वस्तु या ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। अब आगे के स्लाइड्स में हम लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि लाइट के क्या क्या गुणधर्म हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा उन लाइट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को किस प्रकार जस्टिफाई किया गया, इसके बारे में डिटेल में आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। ओके, नाउ दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट इज दैट द लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन पाथ एंड इट्स वेलोसिटी इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट एक सीधी रेखा में गति करता है और इसकी जो चाल है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। द लाइट वेव्स रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ऑल्सो व्हेन द लाइट इंटरेक्ट्स विद द मैटर इट शोज रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा। जब भी लाइट किसी मैटर में पड़ती है, मैटर के ऊपर पड़ती है, तो लाइट में परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव, ये सारे इफेक्ट देखने को मिलती हैं। इन सभी घटनाओं से आप वाली प्रकार परिचित होंगे, नहीं तो अगली स्लाइड में जब कभी भी अगला लेक्चर बनाएंगे तो उसमें सभी घटनाओं का हम अलग अलग से डिटेल में समझाएंगे। आगे की स्लाइड में इन सभी घटनाओं का एक छोटा पिक्चर डायग्राम शो किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दी गई डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के बारे में, जो कि लाइट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ थ्योरीज सपोर्टिंग द लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए जो थ्योरीज दी गई है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। उनमें से द फर्स्ट वन इज न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ठीक है, दिस थ्योरी इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड न्यूटन इन 1675। इनके अनुसार
लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनविजिबल फाइन पार्टिकल्स, मतलब लाइट जब भी किसी लाइट सोर्स से निकलती है तो वो असंख्य इनविजिबल असंख्य अदृश्य छोटे छोटे कणों के रूप में निकलती है और उन्हीं के फॉर्म में ये कण आगे बढ़ते हुए लाइट को प्रोपेगेट या संचरित करवाते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी कि लाइट कणों के रूप में आगे बढ़ता है, तो उससे कुछ लोगों के वो बाद में ये कंफ्यूजन हुआ, ये बात ऑब्जेक्शन सामने आया कि जब किसी भी मटेरियल से किसी भी मैटर से कंटिन्यूसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ छोटे छोटे कण निकलते चले जा रहे हैं तो उस मटेरियल का मास जो है धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए और अंततः शून्य पे चला जाना चाहिए। परंतु एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं देखा गया है किसी लाइट सोर्स की का मास जो है लाइट गिविंग करने की वजह से घट जाए। ओके, तो यही इस थ्योरी का ड्रॉबैक था कि ये थ्योरी जो है ये नहीं क्लियर कर पाई, ये नहीं बता पाई कि किसी भी बॉडी से किसी भी लाइट सोर्स से जब पार्टिकल्स निकलते हैं तो उसका मास क्यों नहीं घटता है। साथ ही ये थ्योरी ये भी प्रूफ करने में असफल रही थी कि लाइट के रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन इन प्रॉपर्टीज को भी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ओके, अब इसके बाद में जो थ्योरी आई वो हाइगंस नामक साइंटिस्ट ने 1678 में दिया था। तो इन्होंने लाइट की इन सारी प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन आदि को प्रूव करने के लिए ये माना कि लाइट जो होती हैं वो कणों के रूप में संचरित ना होकर वेव्स के रूप में संचरित होती है। अब वेव्स की बात जब आई तो वेव्स तो दो प्रकार के अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और वेव्स ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं, तो इनमें से कौन सी वेव को माना जाए। तो उन्होंने पहले क्या किया कि लाइट वेव्स को उन्होंने कंसीडर किया कि लाइट वेव्स ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ऑल दी डायरेक्शंस, कि लाइट वेव सभी दिशाओं में लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती हैं। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा माना तो ही वर एबल टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ दी लाइट, बट ही कुड नॉट एबल द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन एंड द पोलराइजेशन ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द लाइट बाई कंसिडरिंग द लाइट वेव एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव मानने की वजह से जो दो प्रॉपर्टीज खासकर की लाइट सीधी रेखा में चलती है वो और ध्रुवण, इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसीडर करते हुए हाइगंस प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो अब उन्होंने सोचा कि जब ऐसा नहीं प्रूफ हो रहा है तो क्यों ना लाइट को हम ट्रांसवर्स वेव मान लें। तो जब उन्होंने लाइट को ट्रांसवर्स वेव की परिकल्पना की, ये माना कि लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो उन्होंने लाइट की ये दो प्रॉपर्टीज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन और पोलराइजेशन को प्रूफ कर लिया। तो इसके लिए उन्होंने पहले ये माना कि अगर ट्रांसवर्स वेव कंसीडर करते हैं लाइट को तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए जिसमें कि ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सके, तो क्योंकि ट्रांसवर्स वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसके लिए उन्होंने मीडियम के रूप में ईथर को कंसीडर किया, ईथर उन्होंने माना। अब ईथर को ऐसा माना जिसके लिए उसमें इलास्टिसिटी भी हो और उसमें डेंसिटी भी हो। ओके, इलास्टिसिटी, अब ये इक्वेशन देखिए, इसमें क्या है, V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E अपॉन D, वेन E इज द इलास्टिसिटी प्रत्यक्षता और D इज द डेंसिटी घनत्व ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है उसका प्रत्यक्षता घनत्व और उसमें प्रकाश की चाल है ये। अब बात आती है कि चूंकि लाइट की वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ऑर्डर की, तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी होने के लिए न्यूमरेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तो इसलिए ई का मान यानी माध्यम की प्रत्यक्षता ज्यादा लेनी चाहिए और घनत्व उसका कम लेना चाहिए। तो जब ऐसा उन्होंने इस तरह की कल्पना की, इस तरह का एक माध्यम माना ईथर, जब उन्होंने ईथर माना और वेव्स को ट्रांसवर्स माना, तो ही वर एबल टू एक्सप्लेन दी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन एंड पोलराइजेशन ऑफ दी लाइट वेव। ओके,
यहाँ पे जब उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था तब ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, अनएक्सप्लेन थी, लेकिन जब उन्होंने ट्रांसवर्स वेव माना तो लाइट का ये प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अभी भी रह गया था। ठीक है, तो इस प्रकार मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग द वेव, बाय कंसिडरिंग द लाइट एज वेव। ओके, अब इसके बाद बात आती है कि इन्होंने वेव को मान लिया, एक दो प्रॉपर्टी जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, स्टार के इफेक्ट है, ये सारी प्रॉपर्टीज अभी भी अनजस्टिफाइड और अनक्लरिफाइड रह गई थी। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए और साथ में इन्होंने ये जो माना था कि माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व, प्रत्यास्थता ज्यादा घनत्व तो कम हो, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास टाइप का लगा था, कंट्राडिक्टरी टाइप का लगा था, जिसको बाद में मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने रिजॉल्व किया। ओके, इन दिस स्लाइड वी टॉक अबाउट द मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो जो मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या माना, उन्होंने 1873 में यह कंसीडर किया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड से भी बनी होती है। ब्लू लाइन शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड लाइन शोज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ब्लू लाइन में जो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन है वो अराउंड द वाई एंड वाई एक्सिस से यू कैन सी वेरी एजली फ्रॉम दिस फिगर, एंड द रेड लाइन शोज द मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द लाइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका इलेक्ट्रिक, इसका जो वेक्टर है वो वाइब्रेशन किधर हो रहा है, एक्स और एक्स डैश एक्सिस के अलोंग इसका वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्स डैश के अलोंग वाइब्रेट कर रही है, और आगे किधर की तरफ बढ़ रही है, यहाँ देख रहे हैं जेड एक्सिस की तरफ ही आगे बढ़ रही है। ओके, तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक लाइट वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की कॉम्बिनेशन होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। ओके, तो ऐसा कंसीडर करने पर ही वर एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी वेरी इजिली रिजॉल्व एंड जस्टिफाइड बाई कंसिडरिंग द लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये मानने पर मैक्सवेल ने बहुत अच्छी तरीके से इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हर्ज नामक साइंटिस्ट और अन्य साइंटिस्ट ने जैसे स्टार के इफेक्ट, कैर इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो इन एक्सपेरिमेंट को करते समय उन साइंटिस्ट ने भी लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करके सारी थ्योरीज को सॉल्व किया, जिससे कि सब कुछ बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। तो उनके आगे के एक्सपेरिमेंट से भी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को बहुत ही बल मिला, मतलब इनके सपोर्ट में और भी साइंटिस्ट खड़े हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ इफेक्ट्स थे लाइट के जो अभी भी अनरिजॉल्व थे कि आखिर वो लाइट के किस प्रॉपर्टी की वजह से शो होता है। तो उसके लिए हम अगला बात करेंगे प्लांक के क्वांटम थ्योरी की। तो प्लांक नामक साइंटिस्ट ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी, इनके अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी आई 1900 में आई, इनके अकॉर्डिंग लाइट वेव्स ट्रेवल, लाइट कैन ट्रेवल एज क्वांटास और फोटॉन्स इन ऑल द डायरेक्शंस एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय ई इक्वल टू एच न्यू। यानी लाइट जब किसी माध्यम में ट्रेवल करती है तो वो फोटॉन्स और क्वांटास के फॉर्म में करती है। क्वांटास क्या होते हैं, फोटॉन्स कई सारे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, इनको फोटोन कहा जाता है, और हर फोटोन की जो एनर्जी होती है ई इक्वल टू एच न्यू होती है, वेयर एच इज द प्लांक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ठीक है, ऐसा मानने के बाद प्लांक्स को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई उन एक्सपेरिमेंट्स को, उन इफेक्ट को रिजॉल्व करने में जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए थे। तो इन ऐसा कंसीडर करने की वजह से ही कैन एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सारे इफेक्ट्स ऐसे थे
जो कि क्वांटास या फोटॉन्स के रूप में लाइट को ट्रेवल करता हुआ माना गया, तब सॉल्व हो पाया। उसके बाद भी जो प्रॉपर्टीज ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए वो डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन आदि प्रॉपर्टीज थी जो कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो अब इतनी थ्योरीज पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया कि लाइट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो ये कंसिडर करने पर रिजॉल्व हुई कि लाइट जस्ट लाइक अ वेव ट्रेवल करती है, और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आदि ऐसी हुई जो कि ये कंसिडर करने पर रिजॉल्व हुई कि लाइट जो है एनर्जी के पैकेट्स क्वांटास या फोटॉन्स आदि के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ओके, तो अब इस चीज को कंपाइल करने के लिए, इस चीज को पूरी तरह जस्टिफाई करने के लिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, तो ये नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए वो डी ब्रॉगली है। तो डी ब्रॉगली ने प्रकाश के ड्यूअल नेचर को प्रतिपादित किया, उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि लाइट हैज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, देयरफॉर लाइट हैज द ड्यूअल नेचर। मींस क्योंकि लाइट दोनों तरह का नेचर शो करता है, वेव का भी और पार्टिकल का भी, इसलिए लाइट के पास को लाइट की कहा जाता है कि लाइट दोनों नेचर शो करता है। ओके, पहला तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर शो करने के जो लाइट की प्रॉपर्टीज थी वो डिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन है। इनमें से भी ये चार जो प्रॉपर्टीज थी वो लाइट को लॉन्गिट्यूडनल मानने पे डिजॉल्व हो पाई थी, लाइट को लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंगें मानने पर ये प्रूफ हो पाया था, और पोलराइजेशन ध्रुव जो है लाइट को ट्रांसवर्स वेव मानने पर लाइट की ये प्रॉपर्टी जो है वो जस्टिफाई हो पाई थी। बाद में इसको पूरी तरह से सिद्ध किया ब्रूस्टर नामक साइंटिस्ट ने, उन्होंने भी लाइट को अनुप्रस्थ तरंग मानकर ही लाइट का पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को क्लियर किया था, और बाद में अपना एक लॉ भी दिया था जिसको ब्रूस्टर लॉ कहा गया था। ठीक है, उसको जब ये टॉपिक जब हम पोलराइजेशन की बात करेंगे तो वहां पे फुल फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर में क्या क्या आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स ऐसे थे जो कि प्रकाश के पार्टिकल नेचर को बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध करते थे। ओके, इन दिस पिक्चर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द क्वांटम इफेक्ट आर शोन, और बोथ ऑफ दीज टू इफेक्ट सो द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। इन दिस सिचुएशन द फोटोन और लाइट वेव्स पास थ्रू दी मेटल प्लेट, ऑन फॉलिंग थ्रू दी मेटल प्लेट, जब भी मेटल प्लेट पर फॉल करती हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लाइट की एनर्जी की वजह से इजेक्ट हो जाते हैं, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वांटम स्कैटर में क्या होता है, जब कोई फोटोन किसी टारगेट से, टारगेट इलेक्ट्रॉन से रिकॉइल करता है तो होता क्या है कि ये जो है इसका पार्ट फोटोन जो होता है एक तरफ स्कैटर हो जाता है और दूसरा क्या है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से हट जाता है, तो इसको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इधर से क्या है फोटोन जो होता है अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते में चला जाता है, ये स्कैटर्ड फोटोन कहलाता है, दिस इज द क्वांटम इफेक्ट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इन दिस स्लाइड वी टॉक अबाउट द डी ब्रॉगली पैरामीटर्स ऑफ द लाइट। द फर्स्ट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, दिस कैन बी गिवन बाई ई इक्वल टू एच न्यू या ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, सी इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन द रिलेशन इज गिवन बाई ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन वी कैन फाइंड द मास ऑफ द फोटोन is equal to h nu upon c square, this is found by equating this and this equation, and m is equal to h upon lambda c is found by equating mc square by sc upon lambda. Okay, after this we found the momentum of the photon by equating, by using the formula p is equal to mc, this is momentum of the photon, mass of the photon, this velocity of the photon. Okay, when this is putting the value of mass from this equation, we can found P is equal to h nu upon c and P is equal to hc upon h upon lambda. Okay, after this the de Broglie wavelength can be given by lambda is equal to h upon p,
from the p is equal to h upon lambda. From here we can find lambda is equal to h upon phi. Okay, and equating h nu upon c with h upon lambda, we can find lambda is equal to h upon mv, where m is the mass of the traveling particle and v is the velocity of the traveling particle. Okay, then p is equal to mv. When particle of mass m is traveling with velocity v, then we can find p is equal to mv. Therefore हमने यहाँ पे p की जगह पे mv रख दिया है. ओके, तो lambda is equal to h upon phi from this equation and p is equal to mv from this equation. तो lambda is equal to h upon mv. After that, these are the parameters showing h is the Planck constant, c is the velocity of light, lambda de Broglie wavelength, m mass of the photon, nu frequency of the photon and v is the velocity of the particle. Okay friends, समझ में आ गया होगा आपको ये लेक्चर, अच्छा लगा होगा. प्लीज अगर आपको ये लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए. धन्यवाद, बाय बाय.